मैं इस वक्त एतमादपुर विधानसभा 86 में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। मैं सीधा ले चलता हूँ आपको कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम एतमादपुर विधानसभा में होने जा रहा है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। द रॉयल आर्मी पैलेस बरहन रोड एतमादपुर पर स्थित है। वो दिखाता हूँ, पूरा लैब दिखाता हूँ, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन बड़े ही कहा जाए तो 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पार्टी अपना पूरा बहुमत दिखाने की प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि ये भीड़ लगातार एकत्र होती जा रही है। कुछ ही देर में कार्यक्रम एक नया मोड़ लेने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी एतमादपुर विधानसभा से घोषित नहीं किया गया है। ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर अहम हो सकता है। यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। सुप्रीमो मायावती जी यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालेगी और प्रत्याशी की घोषणा बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्द एतमादपुर विधानसभा 86 में कर सकती है। आइए देखते हैं सीधी खबर पैलेस से। बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है। ये भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, जिस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं, और ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर स्टेज को सजाया गया है, और एतमादपुर विधानसभा 86 के नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये मंच और ये सभा कहीं ना कहीं ये निर्णय कर सकती है कि प्रत्याशी कौन होगा। अभी इस पर मंथन चल रहा है। सुप्रीमो मायावती जी अभी डिसाइड कर सकती है इस मंच के माध्यम से कि कौन एतमादपुर विधानसभा से प्रत्याशी ऐसा होगा जो सीधी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है। आइए जानते हैं सीधे लाइव से। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज की सभा को लेकर। स्वागत है सर आपका। हेलो, क्या कहना चाहेंगे आज के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है हमें और सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सर्वेश बघेल जी को बहुत भारी बहुमतों से जीत होगी और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। इससे मतलब कोई भी इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। आने वाले 2022 में बहुत जबरदस्त जीत होगी। क्या लगता है 2022 का चुनाव टक्कर का होने जा रहा है, किस तरह से पार्टी अपने परफॉर्म से लौट पाएगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है? का ये संदेश है कि हमको सर्व समाज का साथ लेकर के चलना है और सर्व समाज के साथ ही हमारा उद्धार हो पाएगा, इसलिए सर्व समाज हमारे साथ है और बहुत बहुत ही भारी मतों से जीतेगी। सर्विस। थैंक यू सर।